नमस्कार बच्चों। बच्चों उम्मीद है आप अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा अध्याय है वो है सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का अध्याय 5 और इसका नाम है जन संघर्ष एवं आंदोलन। इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं और अब हम इसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं और इस दूसरे भाग में हम जो द्वाब समूह और जो आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो द्वाब समूह होते हैं किस प्रकार कई बार वो किसी विशेष वर्ग से संबंधित होते हैं और कई बार किसी सामान्य वर्ग से संबंधित होते हैं और हम ये भी देखेंगे कि ये जो द्वाब समूह है और जो आंदोलन है किस प्रकार राजनीति पर प्रभाव डालते हैं और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार ये अपने आप में नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष लिए हुए हैं और अंत में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम द्वाब समूह की चर्चा करें। अब ये द्वाब समूह क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्वाब यानी किसी चीज को बाध्य करना, किसी चीज को मानने के लिए। तो ये जो काम है ये जो द्वाब समूह है वो करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसको क्या चीज मानने के लिए बाध्य करता है। तो ये द्वाब समूह होते हैं एक प्रकार से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। अब आप देख रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि वो सरकार की नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं। ये नहीं है कि वो सीधा ही चुनाव लड़ते हैं और सरकार में शामिल हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनका काम होता है कि सरकार के द्वारा अगर कोई भी नीति आई है और उनके अपने हित में नहीं है तो वो सरकार को बाध्य करते हैं कि वो अपनी इस नीति को बदलें। और ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते और ना ही सत्ता में शामिल होते हैं। और ये जो द्वाब समूह है सरकार की नीतियों को बदलने का प्रयास करते हैं। और ये जो द्वाब समूह है ये कई बार आपस में लोग जुड़ जाते हैं जो एक मत वाले होते हैं, एक पेशे से जुड़े होते हैं, इनकी आकांक्षा एक होती है, इनके हित एक जैसे होते हैं और फिर इसलिए वो अपना एक संगठन बना लेते हैं और द्वाब समूह के रूप में काम करते हैं। अब हमने कहा कि ये एक मत वाले होते हैं, इनका एक जैसा हित होता है, इनकी आकांक्षा एक होती है। अब हम बात करें कि ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, किसान अपने हित के लिए जो देश के किसान होते हैं वो आपस में मिलजुल करके एक संगठन बना लेते हैं, जैसे किसान संघ। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भी क्या होता है, जो मजदूर लोग होते हैं वो भी अपने हितों की पूर्ति के लिए अपना एक संगठन बना लेते हैं, जैसे मजदूर संगठन। तो इस प्रकार अलग अलग पेशे से जुड़े लोग अपना एक संगठन बना लेते हैं और एक द्वाब समूह के रूप में काम करते हैं ताकि इनके हितों की पूर्ति होती रहे। और इसलिए वो क्या करते हैं, अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार को बाध्य करते हैं कि वो उनके हित में काम करे। और ये जो द्वाब समूह होते हैं हम इनको दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। पहला वह भाग है जो किसी खास वर्ग से जुड़ा होता है, अर्थात ये जो द्वाब समूह है वो केवल किसी एक खास वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और उस वर्ग में जितने भी लोग जुड़े होते हैं, जितने भी सदस्य जुड़े होते हैं वो सिर्फ उन्हीं सदस्यों के हितों की पूर्ति करता है, ना कि सब लोगों की। जैसे अभी हमने बात की कि जैसे किसान संगठन है, अगर किसान संगठन है तो वो अपना जो किसानों से संबंधित कोई भी नीति आती है तो उसके बारे में
बात की जाती है, और अगर मजदूरों से संबंधित कोई नीति आती है तो वहां पर केवल मजदूरों से संबंधित नीति की ही बात की जाती है। इनका उद्देश्य सिर्फ अपने वर्ग के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों की भलाई के लिए ही काम करना होता है। अब जो दूसरा वर्ग है वो है जन सामान्य का हित समूह। अब आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कई बार क्या देखा जाता है कि कुछ लोग ये देख रहे हैं कि देश के अंदर या संसार के अंदर जो बंधुआ मजदूरी है वो बहुत फैल रही है, और इसलिए कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस बंधुआ जो मजदूरी है उसके खिलाफ अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। बंधुआ मजदूरी आप समझ रहे हैं ना, कि किसी व्यक्ति को अपने पास पकड़ करके रखा जाता है, लाया जाता है, और एक प्रकार से उसे आजीवन पूरी जिंदगी काम करवाया जाता है, और बदले में उसे पैसे भी नहीं दिए जाते, अगर दिए भी जाते हैं तो बहुत ही कम दिए जाते हैं। अब जब कुछ लोग इस चीज़ को देखते हैं तो वो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि पहले वाला जो वर्ग था वो केवल किसी एक वर्ग की बात कर रहा था, लेकिन ये जो जन सामान्य का हित समूह है वो किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा। वो जहाँ कहीं पर भी उसको ऐसा उदाहरण मिलेगा कि बंधुआ मजदूरी हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। अब आपने देखा था कि बोलिविया के अंदर वहाँ पर भी क्या हुआ था, जो एक फेडेकोर समूह था वो जुड़ गया था, उसका अपना कोई हित नहीं था, वो तो सभी लोगों की भलाई में लगा हुआ था। इसी प्रकार नेपाल के अंदर भी क्या हुआ था, वहाँ पर भी जो मानवाधिकार संगठन है वो भी इस उनके इस जनसंघर्ष में जुड़ गया था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो सामान्य वर्ग का हित समूह होता है वो अपने लाभ की बात नहीं करता, बल्कि समाज के अंदर, देश के अंदर, और अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर कुछ ऐसा प्रयास करता है कि सब लोगों की भलाई हो। कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता हो। उदाहरण के लिए बाम सेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का नाम लिया जा सकता है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। आइए अब हम आंदोलनकारी समूह की बात करें। दुआब समूह के समान आंदोलनकारी समूह भी किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं, और इनका लक्ष्य एक समय अवधि के अंदर उसको पाना होता है। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि जो आंदोलनकारी समूह है वो किसी ना किसी रूप में दुआब समूह से अलग भी होते हैं। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन। दुआब समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुआब समूहों के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दुआब समूह पर। दुआब समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल रहते हैं, जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन
ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समय अवधि में हासिल करना चाहते हैं। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इसने सभी बड़े बांधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ऐसे ही आंदोलनों की मिसाल हैं। आइए अब हम थोड़ी सी सूचना का अधिकार की चर्चा करें। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? कई देश की लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करती हैं। भारत की सरकार ने भी अपने नागरिकों को ये अधिकार दिया हुआ है। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था और नागरिकों को ये अधिकार दिया गया था कि वे सरकारी कार्यालयों में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम द्वाब समूह और आंदोलनकारी समूहों की बात कर रहे हैं। आइए अब ये देखें कि ये जो द्वाब समूह या आंदोलनकारी समूह हैं किस प्रकार राजनीति पर अपना प्रभाव डालते हैं या उससे प्रभावित होते हैं। द्वाब समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले थे, डीएमके और एआईडीएमके अर्थात द्रविड़ मित्र कड़गम
और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसी पार्टियों की जड़ें इन समाज सुधार आंदोलनों में ढूंढी जा सकती हैं। अधिकांशतः दुआब समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आइए अब ये देखें कि ये जो दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह हैं, क्या इनका प्रभाव सकारात्मक होता है या कहीं दूसरी जगह जाता है। अगर शुरू की हम बात करें, जैसे ही ये बनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए उद्देश्य कि सब लोगों की भलाई, लेकिन ये जो दबाव समूह है कई बार किसी एक खास वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि ये जो दबाव समूह बनते हैं, आंदोलनकारी समूह बनते हैं, वो अपने ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं और जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल को पता है कि हमने दोबारा अगर सत्ता में आना है तो जनता के पास जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए और उनके हिसाब से काम करेंगे। तो राजनीतिक दल तो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, लेकिन ये जो दबाव समूह हैं, इनकी जनता के प्रति किसी भी प्रकार की कोई, अगर हम देखें, जवाबदेही नहीं होती। लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाएं तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के विरोध में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से ना बनाई जाएं। सरकार को भी ऐसे में पता चलता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं और इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। तो बच्चों, अध्याय के इस भाग में हमने दबाव समूह, आंदोलनकारी समूह की बात की। हमने ये देखा कि किस प्रकार ये क्या होते हैं, किस प्रकार कई बार ये किसी खास वर्ग से जुड़े होते हैं और कई बार पूरे वर्गों के लिए काम करते हैं, और साथ ही हमने ये भी देखा कि किस प्रकार ये राजनीति से प्रभावित होते हैं और राजनीति को प्रभावित भी करते हैं, और अंत में हमने ये भी देखा कि क्या इनके जो प्रभाव हैं वो सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक। तो बच्चों, इस प्रकार ये अध्याय हमारा ख़त्म हुआ। लेकिन आपने इस अध्याय को कैसे समझा, क्या इसमें से पाया, आइए हम इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से थोड़ा जानने का प्रयास करें। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर एक, डीएमके और एआईडीएमके राजनीतिक दल किस प्रांत में सक्रिय हैं? विकल्प हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और सही उत्तर है, बिल्कुल सही, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर दो, असम गण परिषद निम्न में से क्या है? विकल्प हैं एक व्यवसायिक दुआब समूह, एक राजनीतिक दल, वर्ग विशेष का हित समूह या जन सामान्य का हित समूह। बिल्कुल सही, इसका विकल्प है, सही उत्तर है, एक राजनीतिक दल। असम गण परिषद एक राजनीतिक दल है जो असम में सक्रिय है। प्रश्न नंबर तीन, सूचना का अधिकार अधिनियम हमारी संसद द्वारा कब पारित किया गया?
और विकल्प हैं 2004, 2005, 2006, 2007। बिल्कुल अभी हमने चर्चा की थी, इसका उत्तर है 2005। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित किस कथन से स्पष्ट होता है कि दुआब समूह और राजनीतिक दल में अंतर है? और विकल्प हैं, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दुआब समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। दूसरा, दुआब समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला होता है। तीसरा है, दुआब समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और चौथा है, दुआब समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते जबकि राजनीतिक दल करते हैं। और जब हम चारों विकल्पों को देखते हैं तो हमें सही आंसर जो है, सही जो उत्तर है या जो सही विकल्प है वो है तीसरा, दुआब समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक संगठन सर्व सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है? और विकल्प हैं, मजदूर संगठन, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाला संगठन। अगर ऊपर वाले तीनों विकल्प देखें तो वो देखें तो किसी खास वर्ग से जुड़े हैं, लेकिन जो चौथा विकल्प है बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाला संगठन, वो इसका सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका उत्तर यही होगा, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाला संगठन। अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, राजनीतिक दलों और दुआब समूह के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? उत्तर, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर नियंत्रण करना होता है जबकि दुआब समूह का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर नियंत्रण करना नहीं होता बल्कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करके अपने संगठन के सदस्यों को लाभ पहुंचाना होता है। प्रश्न नंबर 2, सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कई लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। नागरिक इस कानून के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से उनकी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, वर्ग विशेष के हित समूह से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें वर्ग विशेष के हित समूह कहा जाता है। और अंत में हम एक मिलान वाला प्रश्न करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में है, पहला है दुआब समूह, दूसरा है लंबी अवधि का आंदोलन, तीसरा है एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, चौथा है राजनीतिक दल। सूची 2 में का में नर्मदा बचाओ आंदोलन, खा में असम गण परिषद, गा में महिला आंदोलन, घा में खाद विक्रेताओं का संघ। आइए अब हम इनका मिलान करें। दुआब समूह को हम खाद विक्रेताओं का संघ, यानी सूची 1 का जो पहला है उसको सूची 2 के लास्ट अंतिम से यानी घा से मिलाएंगे, क्योंकि दुआब समूह जो है एक प्रकार से खाद्य विक्रेताओं का संघ है। दूसरा है लंबी अवधि का आंदोलन, तो अगर हम बात करें सूची 1 का जो दूसरा है उसको हम सूची 2 के गा से या तीसरे से मिला लेंगे, यानी लंबी अवधि का आंदोलन एक प्रकार से महिला आंदोलन है, तो इसको लंबी अवधि के आंदोलन को महिला आंदोलन से मिलाएंगे। तीसरा है एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, सूची 1 में तीसरा था तो इसको हम सूची 2 के का से मिलाएंगे, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन है। और सूची 1 का जो चौथा है राजनीतिक दल, तो उसको हम सूची 2 के खा से मिलाएंगे, असम गण परिषद, क्योंकि जो असम गण परिषद है वो एक राजनीतिक दल है। तो बच्चों, इसी के साथ इस अध्याय का हमारा दूसरा भाग भी समाप्त हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।